नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। आज हम आपको बेहद ही दुखद और हैरान कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। खबर है कि एम्बुलेंस में छेड़छाड़ के चलते एक बीमार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र के गोरहताल गांव की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति की तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस के कर्मियों ने उनकी बर्बरता की। इस घटना का खुलासा 30 अगस्त की रात को हुआ। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति हरीश की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। उन्हें बस्ती मेडिकल कॉलेज से लखनऊ के लिए रेफर किया गया था, लेकिन लखनऊ में मेडिकल सीट न मिलने के कारण उन्होंने इंदिरा नगर में इम्पीरिया यूरोसाइंस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराया। यहां इलाज महंगा होने के कारण 2 दिन के बाद उन्होंने अपने पति को वहां से निकाल लिया और प्राइवेट एम्बुलेंस से सिद्धार्थनगर के गोनहताल गांव के लिए रवाना हो गई। रास्ते में महिला ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस के चालक ने उन्हें एम्बुलेंस की आगे की सीट पर बैठने के लिए मजबूर किया। इसके बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर और उसका साथी लगातार उनके साथ छेड़छाड़ करते रहे। महिला ने विरोध किया और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों की बर्बरता थमने का नाम नहीं ले रही थी। करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बस्ती पहुंचने से कुछ दूर पहले एम्बुलेंस कर्मियों ने उनके पति को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। इस दौरान उनके पति को चोट आई और ऑक्सीजन हटाए जाने की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई। फिर उन चल गई ना, फिर एम्बुलेंस फोन कर ला, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से फिर हम बस्ती हॉस्पिटल में सरकारी में लेके गई ली। फिर वहाँ बोलना कि इनके लेके मेडिकल गोरखपुर में जा। फिर वहाँ लेके गई ली, फिर कुछ समय इलाज भइल, फिर 8 बजे तक उनके यहाँ हो गई। महिला और उनके भाई ने फौरन 112 पर फोन कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाकर बस्ती मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां से उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनके पति की जान चली गई। इस मामले पर एडीजी लखनऊ नॉर्थ जितेंद्र दुबे ने कहा कि महिला ने गाजीपुर थाने में तहरीर दी है, जिसमें छेड़छाड़, अभद्रता और एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा उनके पति को बीच रास्ते में छोड़ने और लूट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तहरीर को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।